चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सपा नेतागण, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, बड़ी संख्या में दूसरे दल से लोग मिल रहे हैं। आगरा से और बहुजन समाज पार्टी में रहे नेता मधुसूदन शर्मा जी एक लंबे समय से राजनीति में थे और लगातार उस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मुझे खुशी है कि मधुसूदन शर्मा जी के आने के बाद पूरे आगरा में और आसपास के जिलों में पार्टी के प्रति बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाने वाला है। हालांकि मेरी इनसे मुलाकात लखनऊ में हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रीय सम्मेलन था, हम समाजवादी लोग जानते हैं कि आगरा का जब कभी भी कार्यक्रम हुआ होगा, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी होगी। और इसलिए अगर आगरा के और आसपास के एक महत्वपूर्ण नेता अगर पार्टी में शामिल हो जाएं, तो मैं चाय भी पीने उनके घर पर गया। मुझे खुशी है कि आज वो अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जब हम लोग चुनाव में जाएंगे आने वाले समय में, हमारी पार्टी की ऊर्जा और ताकत बढ़ती नजर आएगी। वहीं हमें बधाई देंगे मनीष जायसवाल जी को कि आज हमारे साथ वो आ गए हैं। और व्यापारियों को जोड़ने का सिलसिला मैंने आगरा में भी कहा था कि हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वर्ग में जाएं और उन्हें जोड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट, परेशानी और व्यापार का नुकसान अगर किसी का हुआ है तो व्यापारी लोगों का हुआ है। पहले तो व्यापार को नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया और सरकारों ने ये कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज परिणाम मिलने की वजह, जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम भी आज भी नहीं मिल पाए हैं। जहाँ नोटबंदी से उभर नहीं पाए थे, कारोबार ठप हो गया था, लोगों की नौकरी रोजगार छिन गए, उसके बाद जीएसटी जैसा मामला जो सामने आया है, जो परेशानियां पैदा की हैं, इससे पूरा का पूरा व्यापार रुक गया है, कारोबार थम गया है। जिन लोगों के टर्नओवर ज़्यादा होते थे या छोटा मोटा कारोबार करते थे, उनका भी कारोबार रुक गया। नोटबंदी और जीएसटी ने, दोनों ने देश के जीडीपी को कम करने का काम किया है। सरकार कोई भी दावा करे, लेकिन अभी तक जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कोई सुधार नहीं ला पाए। जो सरलीकरण की बात हुई थी वो भी सुधार नहीं ला पाए, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कुछ राहत व्यापारियों को दिए, लेकिन उससे भी कुछ बात बनती नहीं है। जीएसटी से परेशान केवल हमारे साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि आम लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं और व्यापार पूरा का पूरा देश का बर्बाद हो गया। मुझे खुशी है इस बात की कि मनीष जायसवाल जी आज हमारे साथ जुटे हैं। इसके आने से हमारी पार्टी को और मजबूती बस्ती में मिलेगी। वहीं श्रीमती मिथिलेश पाल जी पूर्व लोक दल विधायक रही हैं मुजफ्फरनगर से। हमें खुशी है कि उनके आने से हमारी पार्टी मुजफ्फरनगर में भी आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ अशोक कुमार बिंद, भानु प्रसाद बिंद, श्रीमती वंदना राकेश शुक्ला, राजीव शर्मा जी और वहीं सैनी समाज के बड़े नेता, अभी जब मैं मेरठ गया था तो मैं जानबूझ करके उनके घर गया था, और इसलिए घर गया था कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और हम अपने तमाम समाजवादी साथियों से भी कहेंगे कि जब तक आप उन लोगों के बीच बैठेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे। इसे लगातार जब तक चुनाव है नहीं हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश के चुनाव, तब तक हम समाजवादी लोग लोगों के घर जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, समझाएंगे और अपनी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। और उसी रास्ते पर आज मुझे खुशी है इस बात की कि तारा चंद शास्त्री जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, राज्य महासचिव भी रहे,
वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं इनके तमाम साथियों का अपने दल में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और आगरा के लोगों को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में मधुसूदन शर्मा जी के साथ कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये हमारा हॉल छोटा पड़ गया। जितने साथी आगरा से आए हैं, ये हमारा हॉल छोटा पड़ गया है, इससे ज़्यादा लोग हमें सड़कों पर और बाहर दिखाई दे रहे हैं। और आसान इसलिए भी हो गया कि सड़क बहुत अच्छी है। अब आगरा वालों पे गाड़ी की कमी है नहीं, और ये अच्छा हुआ आगरा वाले यहाँ आ गए, नहीं तो कहीं आपको भी ताजमहल के वेस्ट गेट पर झाड़ू लगाना पड़ जाता है। और ये देखो समय कैसा बदलता है। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनकी विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया ताजमहल के वेस्ट गेट पर। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे। ये हमारा कमाल नहीं है, नागरा वालों का कमाल है। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मधुसूदन शर्मा जी का धन्यवाद खास कर देंगे, क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पे भी अब झाड़ू लग रहा है। हो सकता है झाड़ू खत्म हो गया हो। ये बड़ी समस्या है कूड़े वाली, और कूड़ा खत्म करने का चुनाव भी आ गया है। ये जो चुनाव है अभी आने वाले समय में, ये कूड़ा खत्म करने वाला ही है, क्योंकि जो चुने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि नाली साफ हो और कूड़ा भी शहर में न दिखाई दे। मैं ये कह सकता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि तारीख अभी नहीं आई है, अगर कूड़े की सफाई कोई कर सकता है और कूड़े को कोई ठीक से समझता है तो वो है समाजवादी पार्टी। कूड़े को कहां फेंकना है, कूड़े को कहां रखा जाए, शायद हम समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। इसलिए तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से हम कहेंगे कि इस कूड़े हटाने के लिए, कूड़े को सफाई में बदलने के लिए समाजवादियों की भी मदद करें। हमने तो ये कहा है कि आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग आते हैं, और कभी कभी बातचीत में हमें जानकारी मिली है कि लोग अपने को वादा करते हैं, अपने साथी को वादा करते हैं कि अगर हमारा आगे सफर होगा साथ साथ तो फलाने वर्ष में हम जाकर के ताजमहल को देखेंगे, उस कुर्सी पर बैठ करके तस्वीर खिंचाएंगे। झाड़ू तो लग गई है, हमें इंतजार तस्वीर का है। हमारी तो बचपन की भी तस्वीर है उसके सामने, हमारे जितने लोग हैं सबकी तस्वीर होगी ताजमहल के सामने। और जो ताजमहल देखने जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि ताजमहल के सामने उसकी तस्वीर जरूर खिंच जाए। मैंने इसीलिए कहा कि पत्रकार साथी आप समझ नहीं पाए बात। मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने साथी को वादा करते हैं कि फलाने फलाने साल में जब हम लोग साथ होंगे तब जाकर के ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो इसलिए ताजमहल के आसपास जितना काम समाजवादियों ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। ये जो पानी पर रबर डैम की बनने की बात बताओ, लखनऊ का रबर डैम रोक दिया इन्होंने, गोमती पे सबसे पहला देश का रबर डैम बना था,
गोमती का किनारा पसंद नहीं आया, रबर डैम रोक दिया। लेकिन दुनिया में जो बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं केंद्र से दबाव आया होगा, तब जाकर के ताजमहल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है, और हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम रोका है। वहां डैम बनने वाला था वो रोक दिया, रबर डैम। वहां पर मुगल म्यूजियम बन रहा था वो रोक दिया। ताज कैफे सेंटर बन रहा था वो रोक दिया। फतेहाबाद रोड को बनना था, फोर लेन सुंदर अच्छी जिस तरह से वो बनी है एक कॉबल स्टोन्स की, उससे बेहतर सड़क बननी थी। ये जो पार्किंग का कल सुप्रीम कोर्ट से आया, शायद सरकार अगर ध्यान से अपनी बात रखती तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी सहमत होती कि वहाँ सबसे ज़्यादा पार्किंग की कितनी ज़रूरत है वहाँ पर, वो भी रुक गया। आपकी इनर रिंग रोड जो बन रही थी आधी अधूरी बन गई, आधी और बननी थी वो भी रुक गया। और जितना विकास कार्य होना था आगरा का, वो सब का सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। अब हमें लगता है कि मुख्यमंत्री गए तो शायद कुछ आगरा को थोड़ा बहुत मिलेगा। जहाँ तक हमारे साथी साथ आए हैं, उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हाल ही में एयरफोर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपनी तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रेस की तरफ से भी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए उनकी वजह, उनकी तरफ से भी, कि उन्होंने बहुत शानदार एक एयर शो कराने का काम एक्सप्रेसवे पे किया है। शायद बीजेपी के लोगों को एक्सप्रेसवे में कोई कमी नज़र नहीं आई। हो सकता है उनके लोग मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से कह सकते हैं कि सड़क तो ठीक थी, शायद हरकुलस में कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से वो उतर गया। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और क्योंकि सरकार को काम नहीं दिख रहा है, मैं तो एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि समाजवादी लोग कागज पर काम करते थे, समाजवादी लोग कागज पर काम करते थे। शायद आगरा गए हैं मुख्यमंत्री जी वो जान जाएंगे, और अगर सड़क से आएंगे तो वो ये जान जाएंगे कि सड़क कैसी है, और वो जगह भी देख लेंगे जहां पर अभी कुछ दिन पहले एयरफोर्स ने बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट उतारे थे। इसलिए इन तमाम साथियों का जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इन सबका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है ये मिलकर के और इनके सहयोगी साथी मिलकर के हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार को और तेजी से आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर हमारे समर्थक साथियों से एक मिनट चुप रहिए, थोड़ी अगर बातचीत करना चाहेंगे तो उन्हें कर लेने का। आप लोग कुछ बोलना नहीं, आप लोग केवल सुनना, क्योंकि यहाँ प्रेस के साथी भी हैं। इसलिए ये तो पुराना याद दिला दिया कि एक सरकार ऐसी थी जहाँ नजरबंद कर दिया जाता था लोगों को। मैं ये कहता हूँ, एक बात जो कहना भूल गया था मैं, नजरबंदी से मुझे वो बात याद आ गई। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अन्याय करने वाली है, दुख देने वाली है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता केवल अपनी मांग लेकर के आई थी, और उन मांगों को लेकर के आई थी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे वादा किया था चुनाव के समय पर। उन्होंने चुनाव के समय पर जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने आई थी, लेकिन इस सरकार ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया, लाठीचार्ज किया, और मैं तो कहूँगा कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जहाँ पर महिला पुलिस नहीं हुई, पुरुष थी उसने अन्याय किया। और वो तस्वीरें आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँची हैं, देखी हैं कि ऐसा शायद लखनऊ में कभी भी महिलाओं के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही याद दिला रहा है कि जिस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ इनकी सरकार ने अन्याय किया था। और याद रखना, जो सरकार अन्याय करती है, समय आने पर जनता ऐसी सरकारों को सबक सिखाने का भी काम करती है। क्या चला रहे हैं? देखिए, क्राइम में मैं ये बात कह सकता हूँ कि लूटपाट इतनी बड़ी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
अखबारों में और हमें दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है, न जाने कितनी चोरी, छीना झपटी, पैसे की लूटपाट, ये बढ़ी है। और इसलिए बढ़ी है कि लोगों के पास नौकरी और रोजगार नहीं है, जो कारोबार हो रहा था वो रुक गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डिंगें कितनी बन रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ सड़क कितनी बन रही है, मैं जानना चाहता हूँ पुल कितने बन रहे हैं, स्कूल कितने बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कितने बन रहे हैं, या गिट्टी या मोरंग या कहाँ है, सब काम ठप है, मजदूर है ही नहीं, कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ कारोबार करेगा, काम कहाँ मिल रहा मजदूरों को। तो इसलिए ये बहाना न करे सरकार, इस सरकार ने पूरे देश की और समाज की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और जो पर्यटनों के साथ हुआ है, मैंने अखबार पढ़ा है, मेरी जानकारी केवल अखबार के माध्यम से है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया फतेहपुर सीकरी, और उसके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश की, जब उसने मना किया तो उन्होंने मारा, पीटा, अस्पताल तक भर्ती हो गए। मैं जानना चाहता हूँ वो रोमियो वाली पुलिस कहाँ पर है, वो रोमियो वाली पुलिस कहाँ पर है। और पता कर लीजिए आप, जिन लोगों ने ये छेड़खानी की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोग होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, आप जानकारी कर लीजिए उस बात की, क्योंकि लगातार ये जानबूझ करके नहीं चाहते कि टूरिज्म बढ़े इस देश में। बताइए, वहां सीआईएसएफ है, पुलिस है, पुलिस है, सीआईएसएफ है, और न जाने कितनी पुलिस रहती है, और ताजमहल के अंदर चले गए और कह रहे हैं कि शिव मंदिर है ये, मंत्रों का उच्चारण करने लगे जाकर के केवल भगवा पहन करके। मैं तो जानना चाहता हूं कि सीआईएसएफ के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस के लोग क्या कर रहे थे, थाने के पुलिस के लोग क्या कर रहे थे। जो दुनिया की हमारी पहचान है, हम कहते हैं कि वो वंडर्स में आता है, सरकार हटा दे उस सूची से नाम उसका, क्या हिम्मत है केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, कि उस वंडर्स की सूची में से ताजमहल को हटा दे। अखिलेश जी, एक सवाल है कि बांदा के एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि ताजमहल मकबरा इसको तोड़ दिया जाए और शिव मंदिर बना के वहां पूजा किया जाए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहकामे में हमें और आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जेब में ओपीएम लेकर के चलते हैं, ओपीएम जेब में लेके चलते हैं। जब उनसे बेरोजगारी की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, काम की बात करोगे, उनसे बताओ आलू कितना खरीदा है, मधुसूदन शर्मा जी जानते होंगे, ये आगरा वाले जानते होंगे, बताओ इनका आलू कितना खरीद गया, आलू का तो कोल्ड का भाड़ा भी। जब ये आलू की कीमत नहीं दे सकते, आलू का बुरा हाल कर दिया, लोग किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोल्ड का भाड़ा भी नहीं। और पूरे किसानों को कहीं राहत नहीं मिल रही, आलू के किसान से पूछिए क्या हाल है, और बर्बाद हो गया कोल्ड स्टोर वाले भी, कोई पूछने वाला नहीं, आलू फेंका पड़ रहा है आलू। और इनसे बेहतर कौन समझेगा, ये रामलीला सुमन जी और मधुसूदन शर्मा जी, जो आलू के सबसे सेंटर पर रहते हैं। तो बताओ आलू की कीमत क्या देगी सरकार, देना नहीं चाहती, इसीलिए जानबूझ करके ये उलझा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि बेरोजगारी पे बहस हो, ये नहीं चाहते हैं कि किसानों का जो कर्ज माफ का वादा था उस पे बहस हो। सर, एक सवाल है, ये हमसे बेहतर आप समझते हैं इन बातों को। अब नरेंद्र श्रीवास्तव जी कुछ पूछेंगे। अरे, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, हम जाए ना जाए गुजरात की जनता ने तय कर लिया है। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, फिर जोड़ देना आप भी। ये एकदम 100% आपने सवाल ठीक पूछा है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मुद्दों को सामने इसलिए लाती है कि जो असली मुद्दे हैं, किसान का सवाल है, नौकरी नौजवान का सवाल है, इस प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो उसका सवाल हो, उन सवालों पर बहस नहीं करना चाहती। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहा, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं, विपक्षी पार्टी की तरफ से जानना चाहता हूं कि आखिरकार आप झांसी में और गोरखपुर में कैसे मेट्रो बना दोगे,
जिन मेट्रो के आपने डीपीआर हमने भेजे थे वही मेट्रो आप स्वीकृत नहीं करा पा रहे। अगर हमने एक्सप्रेसवे बना दिया आगरा से लेकर के लखनऊ, तो अधिकारियों से लेकर के बहुत लोगों ने उंगली उठाई। कितनी उंगली उठाई, कितनी कोशिश की कि हम समाजवादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, न जाने क्या क्या उन्होंने प्रेस के माध्यम से छपवाया। लेकिन सच्चाई क्या है, एयरफोर्स के लोगों ने बेहतरीन हवाई जहाजों को, जो लड़ाकू विमान थे, उनको जमीन पर उतार के दिखा दिया। और यही समाजवादी सरकार अगर बन जाती तो पहले दिन ही समाजवादी सरकार में काम शुरू हो जाता और जो दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश का बलिया और गाजीपुर, उस तक हम एक्सप्रेस वे पहुंचा दे। और हो सकता था कि कहीं आजमगढ़ या गाजीपुर में भी इसी तरह लड़ाकू विमान उतर जाते। तमाम ओपिनियन पोल जो आए हैं वो एक बार फिर बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी का प्रेसिडेंटशिप पे भी आना तय माना जा रहा था, आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं? और दूसरी बात, आपका अलायंस, देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं उस पर अभी हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आंगनवाड़ियों पे लाठी जो पड़ रही है उस पे ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल अभी करोगे आंगनवाड़ियों से तो वो सच्चाई बता देंगी आपको। मैंने कहा कि हमारे जो प्रदेश के संगठन ने 5 सीटें मांगी हैं और 5 सीटों पे अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो ठीक है, और नहीं तो हमारा हर जगह कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, लेकिन 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जो आए थे हमसे भी मिला दो, प्रेस के लोगों के साथ चाय पिलवा दो। सॉरी जी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है। मैंने आपसे कहा कि जब हम बचपन में थे मैं रामेश्वरम भी गया हूँ। रामेश्वरम में आप जब जाते हैं वहाँ पर, अगर किसी को नहीं जानकारी होगी तो मैं बता सकता हूँ कि रामेश्वरम जब मंदिरों में जाते हैं आप वहाँ देखने, तो आपको एक गाइड मिलता है और एक बाल्टी मिलती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुएं से पानी निकाला जाता है और आपको नहलाया जाता है। हम मीनाक्षी टेम्पल भी देखे हैं, हम साउथ इंडिया के सब जितने भी मंदिर हैं वो देखे हैं। जब मैं मैसूर में पढ़ाई करता था, जहाँ से डिग्री हासिल की है, वहाँ पर जो मंदिर था वहाँ हम हर हफ्ते जाते थे। वहाँ पर नंदी से मिलते थे जा करके। आपके वृंदावन हम हुआ है, गोवर्धन में हमसे ज़्यादा काम ही सरकार नहीं कर सकती जितना हमने किया। मथुरा में जितना समाजवादियों ने काम किया उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अयोध्या में भी जो समाजवादियों ने काम किया वो रोक दिया। बनारस में भी सबसे ज़्यादा काम समाजवादियों ने किया। ये शास्त्रीपुर किसने बनवाया, नेताजी ने बनाना शुरू किया था, समाप्त हमने कर दिया, उद्घाटन इन्होंने कर दिया। कमाल के लोग हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप भी नाराज हैं, हम ये बात जानते हैं कि आप भी दुखी हैं। मैं ये जानता हूँ शायद आप लोग नहीं कह सकते, लेकिन आप भी नाराज हैं। नहीं आपसे नहीं, हमसे नहीं, सरकार से नाराज हैं आप। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए मैं आपको बताऊं, आप लखनऊ शहर में रहते हैं, हम अपने साथियों से कहेंगे कि बताइए लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। अगर जनता को हम लोग समझाने में कामयाब हो गए, मेट्रो पे अगर वोट पड़ा, लखनऊ के सुंदरीकरण पे अगर वोट पड़ा, नदी के किनारे पर वोट पड़ा, ये जो हमारे लोहिया पार्क में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लेने जाते हैं उस पर वोट पड़ा, जनेश्वर में इस पार्क पर वोट पड़ा,
कैंसर इंस्टीट्यूट पर वोट पड़ा, संस्कृति स्कूल पर वोट पड़ा, पुलिस विभाग के लिए जो सुधारीकरण किया डायल 100 पर वोट पड़ा, मेडिकल कॉलेज जो नए नए बनाए लखनऊ में उस पर वोट पड़ा, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने जोड़ दिया आगरा को लखनऊ, इस पर वोट पड़ा, तो आपकी समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा मेयर होंगे। और केवल लखनऊ की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आगरा में जो काम हुआ है आपका, जो गाजियाबाद में काम हुआ है आपका, जो काम मेरठ में हुआ है, मेरठ के लोगों को पता है कि मेट्रो छिन गई उनसे, कानपुर के लोगों को पता है उनकी मेट्रो छिन गई, मेट्रो का काम मैंने शुरू कर दिया था, और उस समय के केंद्रीय मंत्री जो थे वो आए थे हमारे साथ, वहाँ के सांसद हमारे साथ थे, और हम दोनों ने मिलकर के उस मेट्रो का शिलान्यास किया था। और क्या वजह है कि अब सरकार आ जाने के बाद वहाँ का काम रुक गया? अगर जनता को ये बातें हम समझाने में कामयाब हो गए तो आप देखेंगे इसकी सबसे ज़्यादा मेयर समाजवादी पार्टी के होंगे। और हम अपने व्यापारी साथियों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, व्यापारी साथियों आप पे संकट लाने वाली सरकार बीजेपी है, आप हिसाब किताब अच्छा रखते हैं, हिसाब किताब इस बार बना दो, समाजवादी की साइकिल दौड़ा दो, अपना हिसाब किताब सब ठीक हो जाएगा, और जो संख्या आप पूछ रहे वो आ जाएगी। उससे पहले मैं आप लोगों को भोजन कराऊंगा और फिर 8 तारीख को काला दिवस मनाएंगे, लेकिन भोजन उससे पहले आपको कराएंगे। नहीं, उसमें आरएसएस ये कहेगी कि हरक्यूलिस में कुछ कमी थी, वो फैलाएगी जमीन पर नीचे, और ये कहा जाएगा कि एक्सप्रेस वे पे पैसा एयरफोर्स का लगा है। मुझे कल आया एक व्यक्ति, बताया कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस जो हाईवे बनाने में एयरफोर्स का पैसा लगा है। भाई हम झूठ से नहीं लड़ सकते सुभाष मिश्रा जी, हम काम से तो आगे निकल सकते हैं, झूठ से नहीं लड़ सकते। वैसे जिसने फिल्म देखी होगी गब्बर सिंह वो तो यही मानेगा। सर एक सवाल है आपसे, वो फिल्म शोले आपने भी देखी होगी। हम आपको नहीं बताएंगे कि किन को उतारेंगे। नहीं, इन मंत्रियों का व्यवहार और विधायकों का व्यवहार आपको पता लग गया? बाराबंकी का डीएम बहुत ईमानदार है, पता नहीं सांसद क्यों शिकायत कर रही है। डीएम बाराबंकी के बहुत ईमानदार हैं, और वही भाजपा की सरकार में अधिकारी सब ईमानदार हैं, पुलिस बहुत ईमानदार है, 100 नंबर बहुत ईमानदारी से चल रहा है। मैंने आपसे कहा कि मुझे जो जानकारी है वो झाड़ू मारने की जानकारी है, उन्होंने बहुत अच्छा झाड़ू मारा है ताजमहल के आसपास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जितना कूड़ा था सब भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है। सवाल यह है, कूड़ा हटाना सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कूड़े का क्या होगा। जो हमारा पत्रकार साथी पूछ रहा था, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या होगा ये बताइए हमें। पत्रकार साथी आपको बहुत जानकारी नहीं है, एक बार बीजेपी के लोगों ने कूड़े से बिजली बनाने का संकल्प लिया था, और जब बिजली नहीं बन पाई तो पत्रकार ने एक इंजीनियर से पूछा कि आखिरकार ये बिजली क्यों नहीं बन पाई, तो उस इंजीनियर ने कहा था कि कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है इसलिए बिजली नहीं बन पाई। ये बताओ, ये जो सवाल हमसे पूछ रहे हो सिर्फ टीवी पे दिखा रहे हो कि नहीं, या उसमें भी मैनेजमेंट है? आखिरी
हमारी समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब उत्तर प्रदेश का बेहतर होगा उसके साथ कारोबार और उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उससे हमारे किसान गरीबों को भी लाभ सीधा सीधा पहुंचेगा। हमारी समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिसमें कि हमने सड़क, आपके बिजली के बड़े बड़े सब स्टेशन, आपके बड़े बड़े अस्पताल, आपके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, ये काम करना शुरू सरकार ने कर दिया था। और अभी तक न केंद्र सरकार से कुछ मिला है और प्रदेश सरकार तो आप जानते हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।